गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोगों का सेशन चल रहा है सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली फॉर जेईई नीट एंड गुजकेट। जेंटलमैन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टेसेंकु रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन है ना, और बेंजोइन कंडेंसेशन ये सीखा था, और एक रिएक्शन और सीखी थी नो बेंजन रिएक्शन है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड का बहुत ही यहाँ पर इन रिएक्शंस में जलवा रहता है, और किसी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, किसी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, किसी में बेंजोइन बनता है, किसी में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनता है। तो इस नेक्स्ट रिएक्शन जो आईडी नंबर 5, इट विल बी रिफॉर्मेट्स्की, रिफॉर्मेट्स्की निम रिएक्शन से रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एज वेल एज नीट। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन के की पॉइंट क्या है जेंटलमैन? कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन, जेंटलमैन ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा एच कंटेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बेंजाल्डिहाइड लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, तब भी होगी। एल्डिहाइड और कीटोन में कंटेन अल्फा एच, रिएक्ट्स विद अल्फा ब्रोमो एसिड। सबसे बड़ा की पॉइंट ये है जेंटलमैन कि एल्डिहाइड या कीटोन मे कंटेन अल्फा एच, रिएक्ट्स विद अल्फा ब्रोमो एसिड। अल्फा ब्रोमो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक जिंक, मेटेलिक जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और क्या देंगे, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जेंटलमैन एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, और अल्फा ब्रोमो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मेटेलिक जिंक की प्रेजेंस में तो क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। रिएक्शन अभी कंप्लीट हुई है, डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा कीटो ईस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर विल गिव अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एस्टर। अनसैचुरेटेड एस्टर बनेगा अल्फा बीटा, जेंटलमैन ये तीनों की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज फॉर एज कंसर्न विद जेईई और नीट। रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन
may contain alpha H reacts with alpha bromo acid in the presence of metallic zinc to form beta hydroxyester. Dehydration of beta hydroxyester, gentlemen. जो इसका डिहाइड्रेशन होगा वो क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर देगा। देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बड़ी आसानी से हम इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। आई थिंक ये रिएक्शन तीन या चार स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन के आ जाता है। मैंने पॉइंट आपको बताया था अल्फा ब्रोमो चेक करने के, अल्फा ब्रोमो एसिड नहीं, अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर, थोड़ा सा सही कर देना उसको। तो हम ले रहे हैं अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर जेंटल, और साथ में क्या लेंगे हम, कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। तो अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर, मान के चलो कि हमने ये अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर लिया, स्टेप वन, और अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर पे हम जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं, ये मेटल है। तो कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बी आर जेड एन प्लस, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको जेंटलमैन, सी एच टू माइनस सी ओ ओ ईटी, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। मेटालिक जिंक हमने लिया तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना। स्टेप टू में हम कीटोन लेंगे और इस कंपाउंड का जो भी बना है कंपाउंड, कीटोन को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मूव करेंगी। You can see that gentlemen कि OP क्या बन रहा है, माइनस। तो OP अगर माइनस बन रहा है तो ये वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3 अब C पे क्या जोड़ने वाला है, ये CH2, ओके, C पे क्या जोड़ने वाला है, CH2 COOET, और ऑक्सीजन पे मैं जोड़ रहा हूं क्या, ये बना इंटरमीडिएट, ये बना साहब इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, तो अब हम जो है इसकी कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, ये जो इंटरमीडिएट बना इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे स्टेप थ्री में। तो स्टेप थ्री क्या हो रहा है, CH3 CH2 COOET, इथाइल है जेंटलमैन, ये इथाइल है, और यहां पर O माइनस जेड एन प्लस, और साथ में क्या है, बी आर। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इसको H देंगे और इसको OH दे देंगे, है ना। तो देखिए क्या बन रहा है, CH3 C, आप इसको OH दे रहे हैं, तो C पे क्या चढ़ गया, OH, और CH2 COOET
मतलब जेंटलमैन इस स्टेप में ZnOHBr निकल गए। ZnOHBr जो निकला हम उसे प्लस के साथ यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाय प्रोडक्ट है, नो इंपॉर्टेंट। तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, तो आपने बनाया ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने जेंटलमैन, जे डबल ई एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसमें बना है कई बार, तो आपसे अगर पूछते हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, इंटरमीडिएट बोले किस स्टेप में बनता है, सेकेंड स्टेप में बनता है, और जो बीटा कीटो एस्टर है जेंटलमैन, दिस वन इज बीटा कीटो एस्टर, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, वो किस स्टेप में बन रहा है, थर्ड स्टेप में बन रहा है। मैंने अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर हमने लिया, उसको जिंक की प्रेजेंस में हीट कराया तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना, उसके बाद इंटरमीडिएट बना और थर्ड स्टेप में क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। अब देखिए फोर्थ स्टेप में, मैंने आपको कहा था कि फोर्थ स्टेप में क्या होना है, डिहाइड्रेशन, रिफॉर्मेंस की रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेप फोर में इसे मैं डिहाइड्रेटेड करूंगा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लूंगा, स्टेप फोर लिख रहा हूं जेंटलमैन, CH3 COH CH2 COOET, दिस कार्बन इज अल्फा, दिस इज बीटा, इट्स कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर रही है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 concentrated H2SO4 is a dehydrating agent gentlemen, तो यहां से OH निकलेगा बीटा से और यहां से अल्फा से H निकलेगा, तो इट इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन, क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है कि CH3 और यहां से OH निकल गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH COOET। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि अल्फा बीटा एस्टर बना, अनसैचुरेटेड एस्टर। तो आप मेरी बात समझ लें कि रिफॉर्मेंस की रिएक्शन चार स्टेप में कंप्लीट हो रही है। रिफॉर्मेंस की रिएक्शन के की पॉइंट मैंने क्या बताया कि एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, और इसको रिएक्शन कराते हैं अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर के साथ। चार स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप में हम अल्फा ब्रोमो एसिड एस्टर को जिंक मेटल के साथ हीट करते हैं तो जेंटलमैन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है। सेकेंड स्टेप में जब वही मॉलिक्यूल ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कीटोन पर या एल्डिहाइड पर या एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, उस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलाइसिस कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का डिहाइड्रेशन कराने पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करा देते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनता है। तो ये प्रोडक्ट है, कौन सा इंटरमीडिएट है, ये सब आपको ध्यान रखना है, कितने स्टेप होते हैं, सब चार स्टेप होते हैं, रिएक्शन कौन सी है, रिफॉर्मेंस की रिएक्शन। तो मैं पांच रिएक्शन आपको बता चुका हूँ जेंटलमैन, सेंकू रिएक्शन बताई, पल्के बताई, बेंजोइक कंडेंसेशन, लुबेंजर और रिफॉर्मेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। इसी सिलसिले में एक नेम रिएक्शन ध्यान रखो, कैनी जारो में मैंने आपको बताया था कि कैनिजारो में, मतलब उसे कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन में बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल हम ऐसा ले लें जिसमें अल्फा एच नहीं है उसे हम क्लेजन स्मिट रिएक्शन बोलते हैं। इसी सिलसिले में और सिनेमेटिक, तो इसी सिलसिले में रिएक्शन और आती है जिसमें क्लेजन नाम नहीं है,
सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन के की पॉइंट क्या है जनरली? सिमिट रिएक्शन के की पॉइंट ये है कि एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजोइक एसिड। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजोइक एसिड, और हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H या HN3 होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ heating in the presence of concentrated H2SO4। Concentrated H2SO4 normally क्या करता है कि साहब water का removal होता है, लेकिन इसमें water की actually में थोड़ी सी कमी है, तो इसमें removal of N2 होता है। Removal of N2 gas। रिएक्शन बड़ी आसान है कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि सपोज इट ये एल्डिहाइड है, और ये हाइड्राजोइक एसिड लिया, H+ लिख दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो इसमें N2 निकलना है। देखिए ये अरेंज कैसे होता है, ये इस तरह से अरेंज होता है कि HCO डबल बॉन्ड O NHR, HC डबल बॉन्ड O NHR, H ये यहां से N2 निकल जाता है। तो आप मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरह से रहता है, N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से रहता है जेंटलमैन। तो ये N2 यहां से निकल जाता है, रेजोनेंस होता है, इसमें बहुत ही वीक एसिड है, तो ये N अल्काइल, ये आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री ऊपर H3 में, तो इसे कहते हैं हम N अल्काइल एल्केनामाइड, N अल्काइल एल्केनामाइड। मतलब यू कैन सी दैट कि एसिड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। मैं ये बात बोल सकता हूं कि एसिड एमाइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन SCH MIDT, सिमेंट रिएक्शन। जैसे हम लोग रिएक्शन लिखे कि अगर मैं यहां पे CH3 ले लू और यहां पर N3H और हीट करूं एसिड की प्रेजेंस में, तो H+ ले लिया, तो यू कैन सी दैट क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NHCH3। तो इसका नाम हो जाएगा सब N मिथाइल मीथेनामाइड, ये मीथेनामाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 डिग्री एमाइड बन रहा है। वैसे तो एमाइड की डिग्री क्या होती है ना, एमाइड का मैं जनरली फॉर्मूला बता दूंगा आपको कि RCONH2 होता है, RCONH2 इट इज कॉल्ड एसिड एमाइड, है ना। तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि HCONH2, तो ये हो गया फॉर्मामाइड, मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर मैंने इसको ऐसे लिखा RCO
डबल बॉन्ड एनएच आर, तो ये 2 डिग्री हो गया जेंटलमैन। एन एल्काइल फॉर्मामाइन, एन एल्काइल फॉर्मामाइन फॉर्मामाइन, तो ये सिमिट रिएक्शन का प्रोडक्ट है जेंटलमैन। ध्यान दें, हीट करेंगे तो वाटर भी निकल सकता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने ये 6 रिएक्शन जो सी थी, ये 6 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेन रिएक्शन एक्चुअली में जिनको हमने क्या बोला, सिमिट रिएक्शन बोला, रिफॉर्मेंस की रिएक्शन बोला, बेंजोइन कंडेंसेशन बोला, नोवेंजल रिएक्शन बोला, टिसेंकू रिएक्शन बोला, पर्किन रिएक्शन बोला, क्लेजर सिमिट बोला, एल्डोल कंडेंसेशन बोला, क्रॉस एल्डोल बोला, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल बोला, केनिजारो बोला, क्रॉस केनिजारो बोला, इंट्रा मॉलिकुलर केनिजारो बोला, टिसेंकू रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने, ओपिनोर ऑक्सीडेशन पढ़ा, एमपीबी रिडक्शन पढ़ा, रिमर डीमेन रिएक्शन पढ़ा। जेंटलमैन यू कैन सी दैट कितनी अ सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन। तभी तो मैं आपसे बार बार इस बात की अपील करता हूँ कि आप एक एक लेक्चर को, एक एक कंटेंट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं। मैं गारंटी देता हूं आपको कि कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, और आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी सिलसिले में नंबर 6 रिएक्शन क्या आती है कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया। तो इसमें अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन की बात करूं, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी थोड़ी रिएक्शन अलग है, और NH3 के साथ जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है जेंटलमैन, तो यहाँ 6 मोल लगता है। एक्चुअली में आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 ग्रुप है और ये 4 मोल लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है CH2 होल 6 N4। तो ये एक्सेप्शनल केस है फॉर्मेल्डिहाइड वाला, बाकी तो वाटर का रिमूवल होता है आपको पता ही है। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपीन, यूरोट्रोपीन है ना, या हेक्सा मिथाइलीन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलीन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलीन टेट्रामीन, साथ में चार किया 12, ये 6H थे, 12H थे, तो 6 मोल वाटर निकल जाएगा। अब आप ये देखिए कि CH2 कितनी है, 6 है, और N कितनी है, 4। CH2 कितनी है, 6, और N कितनी है, 4। तो इस तरह का ये CH2 से हमने एक N लगा दिया और इधर पे एक CH2 लगा दिया, ये 2 CH2 इंगेज हो गए। एक्सेस है तो इस तरह से CH2 एक लगा दिया और एक N लगा दिया, तो आप देख रहे हैं कि 2 N यहाँ पे इंगेज हो गए। फिर एक हमने N यहाँ लगाया और CH2 यहाँ लगा दिया, एक CH2 यहाँ लगाया और एक N यहाँ लगा दिया, यू कैन सी दैट, और ये इस तरह से बना दिया और एक CH2 यहाँ लगाया और एक N, सो यू कैन सी दैट N N N N4 हो गए, CH2 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है यूरोट्रोपीन का, और ये कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि अगर इसमें में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करा दूं, तो H का रिप्लेसमेंट, समझ पा रहे हैं हम, यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाता है सीधा सीधा CH2 का। आप देख पा रहे हैं कि कितने CH2, इस तरह से ये CH2 निकल जाते हैं, और RDX एक बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड जिसको आप बोलते हैं RDX का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना है कि RDX एक बहुत ही खतरनाक चीज है, टेररिस्ट जिसको यूज करते हैं, तो RDX का फॉर्मेशन
मतलब आप कह सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड से होता है, पहले यूरोट्रोपिन बनता है और फिर उसका नाइट्रेशन कराने पर, क्या बन जाता है, आरडीएस बन जाता है। बहुत ही ध्यान से आप बात को समझें कि अल्टरनेट मैनर में एन और सी एच टू लग जाते हैं, और NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है और RDS का फॉर्मेशन होता है। हम अमोनिया के साथ एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सीख रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई और दूसरा कंपाउंड जिसको हम बोले कि कीटोन अगर ले लिया जाए, कि इस क्वेश्चन है कि अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन अगर मैं कराऊं कीटोन से, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मूव करेगी, डायरेक्ट आप वाटर नहीं निकालेंगे, CH3CH और CO पे क्या जोड़ेगा H, ये वाला जो H है ना, आप देख पा रहे हो कि COH और बचा क्या NH2, तो NH2 को हम यहां जोड़ेंगे और अब आप हीट करो और अब वाटर निकालो, तो क्या बन जाएगा CH3 CCH3, ये डबल बॉन्ड आएगा और जब H2O यहां से निकल जाएगा तो ये NH बन जाएगा। C डबल बॉन्ड NH जब बना तो इसको इमाइन बोलते हैं, ये एसीटल डिमाइन है क्योंकि ये एसीटोन से बना है, लेकिन सी डबल बॉन्ड एन एच इज कॉल्ड डिमाइन जनरली, तो ये ध्यान रखना है कि बेस है एक्चुअली में। इसी सिलसिले में अगर हम 1° Am से रिएक्शन कराएं कार्बोनिल कंपाउंड की, अगर हम 1° Am से रिएक्शन कराएं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद 1° और प्राइमरी एमाइन, तो अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जेंटलमैन 1° Am या प्राइमरी एमाइन से कराऊं, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि इस कार्बोनिल ग्रुप है और 1° Am को मैं कैसे लिख सकता हूं, R2RNH2, तो ये 1° Am है, तो क्या बन रहा है C डबल बॉन्ड N, यू कैन सी दैट C डबल बॉन्ड N R बन रहा है, C डबल बॉन्ड N R बन रहा है जिसको इमाइंस बोलते हैं, एजोमिथाइंस, समझ रहे ना, ये इमाइंस बोलते हैं और ये ही सिर्फ बेस है, मैं आपको बता दूं सिर्फ लिगेंड या सिर्फ बेस यही है। देखिए CH3H C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं यहां पे इथाइल एमाइन लू, जो कि 1° है, तो अगर ये 1° Am में लू और
करूं तो वाटर निकल जाएगा सर, और जब वाटर निकल जाएगा तो देखिए क्या बनने वाला है, सी एच थ्री एच सी डबल बॉन्ड एन सी एच टू सी एच थ्री, इट इज कॉल्ड शिफ्ट बेस, इसको हम शिफ्ट बेस बोलते हैं। तो ध्यान ये देना है जेंटलमैन कि हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीख रहे थे किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, जिसमें मैंने आपको 8 पैटर्न बताए 2° एमाइन से भी रिएक्शन करके और डबल बॉन्ड लगा 8 पैटर्न बताए, जिसमें टिसेंको रिएक्शन आई, परकिन रिएक्शन आई, बेंजोइन कंडेंसेशन आया, ग्लू बेंजोइन रिएक्शन आई, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन आई, सिमिट रिएक्शन आई, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया और रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन विद 1° एमाइन, जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बस एक ही चीज और हमें ध्यान रखना है कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन आता है जेंटलमैन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और दोनों ग्रुप जो होते हैं वो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे, 2-3 रिएक्शन है उसमें मेटा पोजिशन पे जुड़ जाएगा और चर्चा करेंगे हम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। लेकिन ये सेशन एल्डिहाइड कीटोन का लगभग एंड होता है, क्वेश्चन लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ऑल द बेस्ट।